तो दोस्तों ये है हल्द्वानी का अंबेडकर पार्क, ये देखिए। काफी बड़ा है ये दमुआ ढुंगा में। अब चलते हैं इसके अंदर, जाते हैं वहां से एंट्री करते हैं, फिर अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं पीछे साइड आ गया हूँ, पीछे साइड से अभी एंट्री खुली हुई है और यहाँ पर एंट्री का भी टाइम रहता है। वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग रहती है, एक सुबह के टाइम खुलता है, बीच में दिन में बंद रहता है, फिर शाम का टाइम खुलता है। और आप टाइमिंग के हिसाब से पार्क कभी खुलता है कभी बंद रहता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लोग आते हैं और देखते हैं अंदर जाके। और आज तो हल्द्वानी का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी ये शाम का वक्त है, 4 बजे हुए अभी, और चलते हैं अंदर, जाते हैं जाके देखते हैं। देख रहे हैं आप कैसा मौसम हो रहा आज। ये देखिए दोस्तों, ये एंट्री हो चुकी है, ये यहाँ पर बास्केटबॉल, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये पार्क सबसे अलग बनाया है और यूनिक बनाया है। ये यूनिक इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इतनी साफ सफाई है, इतना मतलब खर्चा किया गया है इस पार्क में। ये देखिए आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति, और वहाँ पर बच्चों का थोड़ा बहुत खेलने का, छोटे बच्चे देखिए। और मौसम तो आप देख सकते हैं, कोहरा देखिए आप, सामने के जो घर है वो साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, ये देखिए। और अभी चलते हैं नीचे और यहाँ से देखिए, पहले ये है इतना बड़ा पार्क है, और आगे आप देखिए राउंड शेप में बनाया गया एक मैदान है, ये देखिए। You always make up something, you know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm losing touch, don't test my patience. और ये देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर भीमराव साहब जी का जो प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, और इस पार्क को काफ़ी सजाया गया है, आपने देखा। और यहाँ पे लिखा गया है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर, 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956, पूरा ये लिखा हुआ है बाबा जी के बारे में, सुशोभित किए गए पद। और थोड़ा सा मौसम कोहरा जो है हट रहा है, क्लियरिटी थोड़ा बहुत आ रही है, नहीं तो यहाँ पर भी अभी तक बहुत ज़्यादा कोहरा था। और पार्क को देखिए आप कितना सजाया गया है, और इस पार्क में काफ़ी खर्चा भी आया है, अभी दिखाते हैं, कहीं पे बोर्ड लगा होगा, लागत जो है वो दिखाएंगे आपको। ये देखिए पार्क खुलने का और बंद होने की टाइमिंग है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक मॉर्निंग के टाइम में पार्क ओपन होता है और एक शाम के टाइम में पार्क ओपन होता है, तो उसी टाइमिंग में आपको आना है, एंट्री करनी है, और बंद होने के बाद तो आप लोगों को जाना है। ये देखिए, और ये है राउंड शेप में मैदान पूरा, ये देखिए। काफ़ी बड़ा पार्क है और बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई एज मैटर नहीं है यहाँ पे। ये देखिए आप अंदर चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, ये स्पेशली बच्चों का है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अंकल जी ऐसे एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, यहाँ पर आंटी जी लगे हुए हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और बच्चे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए काफ़ी सफाई है, काफ़ी ध्यान दिया गया है इसमें, और काफ़ी खर्चा भी किया गया है इसमें। हल्द्वानी के दमुआ ढोंगा के बीचों बीच ये पार्क है, राउंड शेप में काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है इसको। I'm so sorry.
crime for you. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pissing. Don't test my patience, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing. ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए। काफी मतलब बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना मैंने इस पार्क के बारे में सुना था, जितना देखा था यूट्यूब पे सर्च मार के, मैंने सोचा पहले देख लेता हूँ, तो उससे कई हद से ज़्यादा मतलब ये पार्क खूबसूरत है। और अंदर आके तो मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब इतना अच्छा पार्क है, मतलब ये मतलब ऐसा पार्क मतलब ना कि मतलब फ्री ऑफकोर्स यहाँ पर मतलब लोग आ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। मतलब ऐसा पार्क मतलब सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर गार्ड साहब है, वो देखते हैं कहीं पे तोड़ फोड़ तो नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ चीज़ टूटा तो नहीं है। देख रहे हैं आप कितनी सफाई है, कितनी यहाँ पर क्या कहते हैं, हर तरीके के लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फील्ड है खेलने के लिए, क्रिकेट खेले आप, बास्केटबॉल का फील्ड मैदान वहाँ पर बनाया गया है, और बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पर आप देख रहे हैं। और महिलाएँ हैं, पुरुष है, कोई भी एज कैटेगरी नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और साफ़ सफाई का आप देख रहे हैं कितना अच्छा ध्यान दिया गया है यहाँ पर। मतलब इस पार्क को बनाने में भी काफ़ी खर्चा किया गया है। और रनिंग के लिए आप देख रहे हैं ये जो ट्रैक बनाया गया है, ये मैदान का जो राउंड शेप है पूरा, ये पूरा मैदान आपको दिखेगा, पूरा राउंड शेप में दिखेगा, और ये राउंड शेप में आपको ये ट्रैक दिखेगा। मॉर्निंग के टाइम में आप यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए आप, एक एंट्री यहाँ से भी है, ये देखिए। $279.84 लाख आप लगा सकते हैं हिसाब किस पार्क को बनाने में कितना खर्चा आया है। ये है दोस्तों, ये दोस्तों फ्रंट गेट इसका, यहाँ पे गार्ड साहब का भी रूम है ये। और अभी जो मैं आया, मैं बैक साइड से आया, ये देखिए। ये है दोस्तों,